ओके स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए पीवट टेबल, अब हम बात करेंगे जो आपका एक्सेल है। एक्सेल के अंदर एक पावरफुल टूल होता है जिसका नाम है पीवट टेबल। देखिए वैसे तो देखो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, ये टेबल से पहले पीवट क्या है। देखिए टेबल क्या होती है, एक सिंपली जो होती है, जैसे हम टेबल बनाते हैं, जैसे कि बच्चे का नाम हो गया, फादर नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, एडमिशन नंबर हो गया, लाइक दिस। ठीक है, वो क्या है, एक सिंपली एक आपकी टेबल होती है। ठीक है, जैसे बच्चों का क्या होगा, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर, वो एक फिक्स होती है एक तरह से, जो टेबल नॉर्मली हम टेबल की बात करते हैं। तो अब पीवट आ गया। देखिए पीवट टेबल एक यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर एक पावरफुल टूल है जो आपको डाटा को जो क्या करता है, समराइज करता है। क्या करता है, डाटा को समराइज, समराइज में जेड भी लगा सकते हैं, एस भी लगा, समराइज करता है डाटा को। ठीक है, और कंसोलिडेट भी करता है, कंसोलिडेट भी करता है। ठीक है ना, डाटा को समराइज करता है, कंसोलिडेट करता है। ठीक है ना, समराइज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप समरी की फॉर्म में आप डाटा देखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं सिर्फ मैं नेम और सिर्फ रोल नंबर को ही शो करूं, या अगर मान लीजिए आपकी टोटल फीस आपको कैलकुलेट करनी है ईयर की, जैसे कि आप मान लीजिए आप अप्रैल से लेके आप मार्च तक की फीस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो पीवट टेबल की हेल्प से आप जो है क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, और फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो पीवट टेबल जो है आपको क्या प्रोवाइड कराती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। मन चाह जैसे भी आप डाटा प्रेजेंट कराना चाहे वैसे आप करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवट टेबल। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि कोई भी पहले तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो है पीवट टेबल जो है इंसर्ट करनी पड़ेगी। पीवट टेबल इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो जिस भी टाइप से जो भी आपको फील्ड या रिकॉर्ड जो भी आपको इंसर्ट कराने हैं, जो भी शो कराने, चाहे एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर कराएं आप, या फिर आप नई भी वर्कशीट के अंदर आप जो है उसको जो है डाटा को जो है डिस्प्ले करा सकते हैं, आप प्रेजेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो पीवट टेबल एक पावरफुल टूल है, आप किसी का सब टोटल भी कर सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ पीवट टेबल। देखिए अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पीवट टेबल क्या कराती है, आपको फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड कराती है। फ्लेक्सिबिलिटी का आपको तो मतलब ये होगा, जैसा आप डाटा चाहे वैसे आपको उसको प्रेजेंट करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो पीवट टेबल का ध्यान रखना है आपको। पीवट टेबल क्या होती है, एक टेबल होती है, एक पावरफुल टूल है जो डाटा को कंसोलिडेट करता है, समराइज करता है, और डाटा को प्रेजेंट करता है इन्हें रिक्वायर्ड मैनर के अंदर। जैसा आप चाहे वैसा आप जो है कर सकते हैं। इसका मतलब प्रैक्टिकल करके आपको जो है आपको दिखा दूंगा, प्रैक्टिकली आपको अच्छे से वहां से और जो क्लियर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, सिंपल टेबल जो होती है जिसमें डाटा फिक्स होता है, ठीक है, और पीवट टेबल के अंदर हम डाटा को हम फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, जैसे जैसे हम जिस भी टाइप का डाटा हम जो प्रेजेंट कराना चाहते हैं, जो भी आपने टेबल बना रखी है उसके बेस पर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए सिर्फ आप एडमिशन नंबर और क्या करना चाहते हैं, बच्चे का नाम शो कराना चाहते हैं उसको शो करें, किसी का सब टोटल करना चाहते हैं, किसी का परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो आप सभी के सभी जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मैनुअली जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी टेबल के ऊपर वो चीजें कैलकुलेशन करने की जब आप कोशिश करते हो तो उसमें काफी टाइम लगता है, लेकिन पीवट टेबल की हेल्प से इजिली वो जो हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि ये कह सकते हैं हम घंटों का काम कुछ मिनटों में हम उसको जो है कर सकते हैं। तो इसलिए जो है पीवट टेबल काम एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल टूल है। ओके गाइस।